नमस्कार दोस्तों, ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को मालूम होगा कि 6 सितंबर 2020 को एन डी ए का एग्ज़ाम हुआ था। फ्रेंड्स, तो उसी विषय में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम एन डी ए का पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसका हम फ्रेंड्स इंग्लिश क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे पहले 20 क्वेश्चन हैं वो हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 21st क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो है एंटोनिम्स के ऊपर। इन क्वेश्चंस में हमें अंडरलाइन वर्ड्स का एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। इसमें जो हमें वर्ड अंडरलाइंड है वो है एब्सेंटली। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अलर्टली। एब्सेंटली का एंटोनिम है अलर्टली। 22nd क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आई फुल्ली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज़ एन इलेक्टोरेट दैट इज़ एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशूज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइंड है वो है एजुकेटेड। तो फ्रेंड्स का राइट एंटोनिम जो है वो है ऑप्शन सी इग्नोरेंट। एजुकेट का एंटोनिम होगा इग्नोरेंट। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 23rd क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज़ नॉट एनफ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट का एंटोनिम होगा फ्रेंड्स होगा ट्रिवियल। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 24th क्वेश्चन देखते हैं। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो है मूव। तो मूव का करेक्ट एंटोनिम होएगा फ्रेंड्स होएगा स्टॉल। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 25th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज़ फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिसिस्ट इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा वो है एक्सप्रेस्ड। तो फ्रेंड्स, एक्सप्रेस्ड का करेक्ट एंटोनिम जो है वो है ऑप्शन नंबर डी कॉन्सील्ड। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 26th क्वेश्चन पे आइए। पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है वार्मर। तो वार्मर का करेक्ट एंटोनिम जो होएगा फ्रेंड्स होएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट आर कंसर्न वेदर द ओशियंस एंड लैंड बायोस्फीयर विल टेक अप एज मच एज कार्बन इन द फ्यूचर एज दे प्रेजेंटली डू। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा वो है कंसर्न। तो फ्रेंड्स का जो राइट एंटोनिम होएगा वो होगा ऑप्शन बी इनडिफरेंट। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज़ अबाउट क्लाउड फीडबैक। तो फ्रेंड्स, में जो ऑनलाइन वर्ड है हमारा वो है डिबेट। तो डिबेट का एंटोनिम जो होएगा फ्रेंड्स होएगा ऑप्शन नंबर डी एग्रीमेंट। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 29th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज़ कन्वेंशनली डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज कॉज्ड बाय अ डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, में जो ऑनलाइन वर्ड है हमारा वो है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का करेक्ट एंटोनिम होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर ए इम्परवियसनेस। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 30th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। द ओशियन कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड्स। तो फ्रेंड्स, में जो ऑनलाइन वर्ड है हमारा वो है ह्यूज। तो ह्यूज का जो एंटोनिम होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर सी टाइनी। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस हैं वो है ऑर्डरिंग ऑफ अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो इन क्वेश्चंस में हमें सेंटेंस के 4 पार्ट दिए गए हैं। हमें उन सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवरल ईयर्स अगो, ये पी पार्ट है हमारा। कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास एंड एम यूनिवर्सिटी, ये क्यू पार्ट है। प्रोफेसर एंड्रिया डेस्लर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, ये पार्ट आर है हमारा। फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमोर्स, ये है हमारा पार्ट एस। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर ए पी आर क्यू एस। यानी कि पहले पी पार्ट आएगा, फिर आर पार्ट आएगा, फिर क्यू पार्ट आएगा, फिर एस पार्ट आएगा। 32 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, ये पी पार्ट है हमारा। देन सॉल्विंग, ये क्यू पार्ट है। विल बी मच हार्डर, ये आर पार्ट है। द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम्स, ये एस पार्ट है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पी आर क्यू एस। यानी कि फ्रेंड्स पहले आएगा पी पार्ट, फिर आएगा आर पार्ट, फिर आएगा क्यू पार्ट और फिर आएगा एस पार्ट। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 33 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, ये पी पार्ट है। व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट, ये क्यू पार्ट है। मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, आर पार्ट है। एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल, ये एस पार्ट है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी PSQR, यानी कि पहले P पार्ट आएगा, फिर S पार्ट आएगा, फिर Q पार्ट आएगा और फिर R पार्ट आएगा। हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट हीट्स अप, ये P पार्ट है। इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, ये Q पार्ट है। ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, ये R पार्ट है। द विलेज रेंज S पार्ट है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो होएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी PRSQ, यानी कि पहले P पार्ट आएगा, फिर R पार्ट आएगा, फिर S पार्ट आएगा और फिर Q पार्ट आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 35वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। टू पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर, ये P पार्ट है। टू द सन सो इट अब्जॉर्ब्स मोर सोलर एनर्जी, द सेकंड आर्ग्यूज, ये Q पार्ट है। दैट इट्स बिकॉज वीनस हैज़ अ थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमोसफेयर, ये R पार्ट है। Then the first argues that it's because Venus is closer, ये S part है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर ए PSQR, यानी कि पहले हमारा P पार्ट आएगा, फिर S पार्ट आएगा, फिर Q पार्ट आएगा, फिर R पार्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फर्म्स, ये P पार्ट है। एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, ये Q पार्ट है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, ये R पार्ट है। गेन शेयरिंग प्लान्स, ये S पार्ट है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर डी SPRQ। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग, ये P पार्ट है। टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी, ये Q पार्ट है। बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू द बोथ प्रोस्पेरिटी एंड, ये R पार्ट है। द एसेज ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड बाय एंटोनिम्स, ये S पार्ट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन राइट आंसर जो होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर सी SRPQ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज, ये P पार्ट है। मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू, ये Q पार्ट है। इट इज़ मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू, ये R पार्ट है। अदर देन अ प्लेस ऑफ वाइल्डनेस, ये S पार्ट है। तो फ्रेंड्स कुछ राइट आंसर जो होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर सी RQPS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स द लॉन्गेस्ट, ये P पार्ट है। दैट नेवर स्टार्टेड, ये Q पार्ट है। द जॉब, ये R पार्ट है टू फिनिश और ये है हमारा S पार्ट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर बी RQPS। 40वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। टू व्हाट यू कैन क्रिएट, ये P पार्ट है। कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, ये Q पार्ट है। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, ये R पार्ट है। वट यू कैन नॉट, ये S पार्ट है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी RSQP, यानी कि पहले हमारा R पार्ट आएगा, फिर S पार्ट आएगा, फिर Q पार्ट आएगा, फिर P पार्ट आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमारे अगले कुछ क्वेश्चन हैं वो हैं सिनोनिम्स के। इसमें हमें फ्रेंड्स जो हमें अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा शी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम, और हमारे अंडरलाइन वर्ड दिया गया है फ्रेंड्स वो है डिवोर्स। तो डिवोर्स का सिनोनिम होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी एन्यूलमेंट। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 42 क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन, और जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है फ्रेंड्स हमें वो है जेंटल। जेंटल का सिनोनिम जो होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर बी एमिएबल। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 43 क्वेश्चन देखिए। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसेज बैक, और फ्रेंड्स इसमें जो हमें अंडरलाइन वर्ड दे रखा है वो है बाउंसेज बैक। इसका जो सिनोनिम होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर ए रिकॉइल्स। हमारा ऑप्शन है राइट आंसर है फ्रेंड्स। 44वां क्वेश्चन देखिए। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, तो फ्रेंड्स में जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है हमें वो है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट का सिनोनिम होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर सी अकम्प्लिश। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ही लिसन टू मी विदाउट एक्वेनिमिटी, तो फ्रेंड्स में जो ऑनलाइन वर्ड है हमारा वो है विद एक्वेमिनिटी। तो इसका राइट आंसर जो होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर सी पेशेंटली। विद एक्वेनिमिटी का सिनोनिम जो होएगा फ्रेंड्स वो होएगा पेशेंटली। 46 क्वेश्चन देखते हैं। द होल थिंग वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, और जो ऑनलाइन वर्ड है हम फ्रेंड्स हमारा वो है फ्यूटाइल। उसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स होएगा ऑप्शन नंबर बी पॉइंटलेस। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। 47वां क्वेश्चन देखिए, ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, और जो अंडरलाइन वर्ड है फ्रेंड्स हमारा वो है कनिंग। तो फ्रेंड्स कनिंग का जो सिनोनिम होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर डी डॉजी, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 48 क्वेश्चन देखिए, दिस डिसीजन इज़ क्रूशल फॉर मी, और जो अंडरलाइन वर्ड है फ्रेंड्स हमारा वो है क्रूशल। तो क्रूशल का सिनोनिम होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर ए मोमेंटस, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है फ्रेंड्स। 49 क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स, द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस, अंडरलाइन वर्ड है फ्रेंड्स हमारा वो है इनटू अ फ्रेंजी। तो इसका सिनोनिम जो होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन सी बर्सर्क, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 50 क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ बीन यर्निंग टू गो होम, यर्निंग का मतलब होता है फ्रेंड्स चाहत रखना, उसका सिनोनिम होएगा फ्रेंड्स वो होएगा ऑप्शन नंबर डी हैंकरिंग। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने NDA का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 को उसका पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट का इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व किया फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।